तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो मैं चाहता हूँ गाइस आप ये वीडियो इतना शेयर करिए कि कम से कम ये जो भी इनके सुपरवाइजर या फिर अधिकारी हैं बिजली विभाग के या फिर जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है उन तक ये भाई वीडियो पहुंचे, हमारी यूपी गवर्नमेंट तक भी पहुंच जाए। आई होप निशासत भाई पहली बार फीचरिंग इन माय व्लॉग। हेलो बॉस, फॉलो करो इंस्टाग्राम आईडी So, hello guys, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, सब मौज। वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। तो गाइज आज है सावन का पहला दिन, आज सावन चालू हो चुका है। और ये देखिए भाई, सामने देख लीजिए भाई कितनी कस के बारिश हो रही है। ये देखो भाई, अब सावन चालू हो चुका है तो बारिश तो होनी है। और जस्ट भाई मैं अभी मंदिर से आ रहा हूँ पूजा करके, यहीं भाई घर के पीछे यहाँ पे मंदिर, मैं वहाँ पे रेगुलर मतलब रोज जाता हूँ जल चढ़ाने शिव जी को, और वहीं से पूजा करके आ रहे हैं। मम्मी मौसम देखिए, सोमवार नहीं पहला मतलब सावन आज चढ़ा है। हाँ आज चढ़ा है और देखो बारिश देख रहे हैं। देखो गाइस देख रहे हैं, आज ही सावन चढ़ा है, आज बारिश देखिए। इग्नोर माय लोअर। सभी सभी देवी देवता अब शंकर जी को जल चढ़ा रहे हैं। हाँ देखिए जलाभिषेक हो रहा है नेचुरल शंकर जी का, कोई भी शिवलिंग मतलब बाहर रखा हो नहीं। ये देखो भाई बहुत कस के बारिश हो रही है, तो भाई शो चलता है भाई, कुछ खा देखिए, लगी बहुत तेज भूख। हाँ और उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। भाई देखो सामने बारिश, इग्नोर माय चड्डी, सामने बारिश हो रही हो और यहाँ चाय हो और जीरा हो हाथों में, इससे ज्यादा क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई, मतलब इतनी खुशी। और गाइस आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट चीज शेयर करनी है भाई, देखिए 3 दिन पहले मतलब संडे को, आज है ट्यूसडे, हाँ संडे को बहुत तेज बारिश हो रही थी। हाँ तो ये जो भाई मेरे घर के सामने जो तार है ना, ये गया है, ये 11,000 वोल्ट का तार गया हुआ है, बहुत ही हाई टेंशन वाला भाई लाइट है। हाँ तो संडे को भाई जब बारिश हो रही तो इसमें आग लग गई थी। हाँ और मैं आपको दिखाता हूँ तार की हालत, वो देखिए, ये आप देख रहे हैं कितना पतला सा ही तार बचा रखा है, इसमें भाई पूरा आग लग गया था। और हमारे डैडी ने संडे को ही कंप्लेन कर दिया था, संडे को ही कंप्लेन किया था भाई बिजली विभाग में कि मतलब तार ही जल गया, आके इसको चेंज करिए क्योंकि भाई इतना पतला सा बचा है। हाँ अगर ये टूटेगा भाई समझिए, हाँ अगर ये टूट गया बीच से तो सोचिए वो लंबा तार पूरा नीचे गिर जाएगा, ये लंबा तार पूरा नीचे गिर जाएगा, अगर ये कहीं मेरी रेलिंग पर टच हो गया या फिर कोई भी कैजुअलिटी हो गई तो सोचिए भाई क्या हो सकता है ना, समझे ना, मतलब इसकी पॉसिबिलिटीज होने कुछ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। हाँ तो अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो मैं चाहता हूँ गाइस आप ये वीडियो इतना शेयर करिए कि कम से कम ये जो भी इनके सुपरवाइजर या फिर अधिकारी हैं बिजली विभाग के या फिर जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है उन तक ये भाई वीडियो पहुँचे, हमारी यूपी गवर्नमेंट तक भी पहुँच जाए आई होप, जिससे भाई पता चले कि हाँ भाई कैसे मतलब यहाँ के गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जो कि भाई कोई काम नहीं करे, मतलब अभी तक भाई एक बंदा भी कोई नहीं आया झांकने के लिए कि यहाँ पे तार जला है, यहाँ से कंप्लेन गई हुई थी। आई होप कि आप ये वीडियो ज़्यादा हो सके शेयर करिए जिससे वीडियो किसी तक तो पहुँचे जो कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, कोई भी मतलब ऑफिसर या फिर कोई भी मिनिस्ट्री या फिर कोई भी मिनिस्टर जो भी। हाँ तार गलती से टूट गया और किस कहीं भी टच हुआ फिर करंट आ गया भाई, जैसे तार टूट के मेरे रेलिंग पर टच हो गया, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने यहाँ रेलिंग छू ली या फिर वहाँ रेलिंग लगी वहाँ छू ली, और कोई भी कुछ भी ज़रा सा भी हो जाए कुछ अनहोनी, हाँ तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इस चीज़, कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बताइए। और आप सोच सकते हैं इतनी हाई टेंशन वाली ये लाइन है, हाँ इसमें कितना ज़्यादा वोल्टेज है, तो अगर हल्का सा टच होने से भी क्या हो सकता है। जब संडे को तार जल रहा था तब भी हम लोग घर में अर्थिंग आ गई थी, हाँ जैसे ये सब रेलिंग में अर्थिंग आ गए थे, इन सब रेलिंग में हल्का फुल्का झटका दे रहा था, उसके बाद कैसे करके डैडी ने आग बुझाया था इसका, तो सब नॉर्मल हुआ था। सो गाइस इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं और भाई दिन भर मैं ज़्यादा ब्लॉग कर नहीं पाया, क्यों, क्योंकि भाई मेरा भाई स्कूल गया था और फिर वो 3 बजे स्कूल से आया था, तब तक भाई क्या ही ब्लॉग करते, दुकान बैठ के भाई दुकान देख रहे थे और फिर क्या ही कुछ कंटेंट था ब्लॉग करने वाला, दुकान देखना होता नॉर्मल की मम्मी है मम्मी मैं। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं बाहर, भाई हमारा फ्रेंड है शाश्वत उसका नाम है, आप उसको ब्लॉग कभी नहीं देखे होंगे, आज पहली बार देखेंगे। तो आज भाई का बर्थडे है और भाई ने अपने लिए एक नई गाड़ी भी ली है, तो चल के थोड़ा सा कॉन्ग्रेचुलेट भी करेंगे और बर्थडे विश करेंगे, थोड़ा सा कुछ भाई खिलाएगा पिलाएगा मस्त पार्टी भी देगा, तो हम चल रहे हैं भाई वहीं पे उसके उससे मिलने, ठीक है ना, तो चलते हैं और मिल के आते हैं उससे। क्या बड़े भाई यहाँ आगे नीचे मेरे सामने झुकना पड़ेगा, अच्छा झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने, जी सर कह रहा हूँ पार्टी वार्टी रहती रही, पहले फोन बना पहले देखे जाना फिर करना। अच्छा भाई का फोन बनवाना है तो भाई का फोन भी दे देंगे बनने के लिए,
और भाई देखिए कंटेंट क्या है शूट कर सकते हैं। हाँ मैं बताता हूँ, सुबह थोड़ा बहुत शूट किया, फिर भाई स्कूल चला गया होता है, उसके बाद 3 बजे तक भाई दुकान देखना रहता है हमको, फिर 3 बजे तक आता है, फिर खाते पीते सब करते करते 4 बज जाता है, उसके बाद हम फ्री होते हैं, फिर हम निकल जाते हैं बाहर कहीं टहलने के लिए, तो बस वही ब्लॉग कंटेंट मिल पाता है। और एक मेरी माँ आ रही है, वो देखिए ये भी कुछ कंटेंट नहीं देती, कुछ बवाल करें क्या, बवाल करती है हाँ बस मारना पीटना। और क्या, हम ही पे गर्व करेंगे आप फ्यूचर में, ये करवात कुछ नहीं करेगा, ये भाई मेरा बिजनेसमैन बनेगा। क्यों भाई बिजनेसमैन बनोगे हैं? चलो भाई, मुझे मेरा छोटा वाला भाई है ये कबाड़ लड़का, ये छोड़ देगा बढ़िया होता है, उसके बाद फिर हम उसके साथ चले आएंगे कार से। क्या भाई चलाओ, फोन नहीं बनवाऊंगा समझे, मत बनवाओ, उतर जाए तुम्हें, चले जाओ इसी से अकेले, चलो चलते हैं, रहना पड़ेगा मेरे सामने चुपके सर, अरे दादा इतनी नवाबी, अबे अभी लो, चलो भाई। तो भाई हम लोग आए, देखिए यहाँ ये सामने शर्मा चाय, लखनऊ की सबसे बेस्ट चाय की दुकान, भाई सबसे पुरानी सबसे फेमस, यहाँ भाई बहुत सारी शूटिंग हुई है, और साथ भाई हमें पार्टी देने आए हैं, कौन सा है भाई, माँ दुर्गा माँ रेस्टोरेंट भाई। तो भाई तो अपना आ चुका है मस्त शाही पनीर और बटर नान, शाही पनीर में कितने पीस हो? अच्छा तो भाई ये देखो, ये रहा अपना बटर नान और शाही पनीर। ये शासद भाई पहली बार फीचरिंग इन माई ब्लॉग। हेलो ब्रोस, यू कैन फॉलो आवर इंस्टाग्राम आईडी इज sasudjazz007। तुरंत ही प्रमोशन अपना लोग जा रहे हैं। तो भाई ये जो शाही पनीर है ना भाई, ये शाही पनीर का मसला है कि हम लौकी की सब्जी खा रहे हैं, बस पनीर पड़ गया इसमें, बाकी टेस्ट लौकी का ही आ रहा है इसमें, बस कैसा टेस्ट, मतलब शाही पनीर वाला टेस्ट नहीं आ रहा इतना बढ़िया इसमें। कोई बात नहीं भाई, मैंने इनसे बोला भी हम लोग ने, तो ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसी क्वालिटी होती है, क्या कर सकते हैं। चलो भाई खा लिया है, सॉफ्ट नहीं चला पाए हम लोग, क्या भाई, चलो पेट भर गया है लेकिन मन नहीं संतुष्ट हुआ हम लोग का, बिल्कुल भी नहीं, कोई बात नहीं, चलो होता कभी 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 होता है चीज़ें जब भीड़। तो भाई चलते हैं, हम निकलते हैं यहाँ से, चलो भाई 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 हाथ मिला लो भाई, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू भाई, आप दोबारा से ठीक है, बिल्कुल बाय बाय। चलो भाई मेरा भाई आ चुका है वहाँ पे, बाय, चलो भाई चलते हैं घर वापस से, ठीक है, अब मुझे भाई दोबारा निकलना भी घर जाके शिखर भाई के साथ में। तुम तो अंबानी घर में पैदा होके गलती से। तो भाई घर पे आ चुका हूँ, अपने भाई का फोन दे दिया बनने के लिए, भाई भाई ब्लॉग में तो आ जाओ भाई, क्या है बे, क्या है बे, आदमी क्या चला गया। और घर आते भाई अभी मैं फिर 15 मिनट में निकलूंगा, अब थोड़ा शिखर भाई के साथ चलते हैं, शिखर भाई कुछ काम था तब से मैं वेट कर रहा था, बेचारा वेट करते करते खुद ही निकल गया था, लेकिन अब वो दोबारा से आ रहा है, तो अभी साथ में उसके जाएंगे। क्या है जो व्लॉग बता रहा है, भाई कोई व्लॉग देखता हुआ ये सोचता हूँ कि कितना आता जाता रहता है, घर आएगा जाएगा, हमारे कदम घर में शाम में रुकते ही नहीं है, मेरी शाम घर के बाहर। तो तुम पनौती हो क्या, कहते नहीं लक्ष्मी के कदम हमेशा शाम को आते हैं, इनके कदम बाहर जाते हैं, मतलब हमारे घर के लिए बेकार आदमी है। वो देखिए मेरी मम्मी, देखिए मेरी मम्मी वहाँ सब्जी काट रही है, वो देखिए सब्जी काट रही है, दिख रही है, अच्छा मतलब बेटे घर में रखे माँ सब्जी नहीं काटेगी, नहीं बनेगा 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए दुकान क्या देख ले, दुकान देख रही है, हम जा जा जा, क्या लग रहे हो यार, हीरो आ गया है भाई, लूज टी शर्ट है भाई, आ गया हीरो, चलो भाई अब फोटो हल्का से भाई के साथ में, वन से मम्मी आ रहे हैं। सो गाइस हम लोग आए, एक विनय भाई हैं उनके घर पे, तो जो हमारा प्रशांत दोस्त है प्रशांत भाई, उसकी बाइक भाई है FZ है, उसके पास दो गाड़ियाँ, एक ओला S1 है, एक FZ है, तो चलता ओला S1 से है, ओला S1 प्रो, तो शिखर भाई आसाम से आए हुए हैं, और जो इनकी बाइक है हॉर्नेट, ये इन्होंने आसाम मंगवा ली थी, हाँ तो बेचारा पैदल हो गया यहाँ के, अब हर जगह भाई चार पहिया निकाल नहीं सकता है, तो FZ लेने आया है भाई, की FZ ले लेगा फिर उससे जलवा काटेंगे, ठीक है भाई उससे मोटर ब्लॉक किया जाएगा चल के,
आई डोंट हैव टाइम। बहुत बड़े बिजी शेड्यूल था। चलो भाई प्रशांत भाई की बाइक ले लिया। भाई प्रशांत भाई का वो देखो वाइजर दो कैसा लगवा रखे हैं FZ को एकदम। ये निकाल दिया, ये लाइट नहीं जल रही है। ये लाइट नहीं जल रही क्या? इनने बहुत मॉडिफिकेशन कराई थी यहाँ पे। वो लगवाया था क्या बोलते हैं हाथ, इसे क्या बोलते हैं, क्यों मैंने भाई इसे क्या बोलते हैं, यहाँ लगता है ऐसे गोल सा पता नहीं कुछ बोलते हैं। पता चलेगा तुम मोड़ना भी नहीं चाहो और ब्रेक मार दो चले। चलो भाई अभी हम ये वाली ले चले। ये भी FZ है, ये पुरानी वाली FZ है, वो नई वाली FZ है। भाई प्रशांत भाई गाड़ी का एक बार हॉर्न सुनाओ, हॉर्न सुनाओ, हॉर्न। ये चलो चलो निकालो आगे मारो हॉर्न। गजब हॉर्न लगवाए, हम भी लगवा लेंगे अपने MT15 में, बेबी में अपने लगवाएंगे भाई अभी नहीं फ्यूचर में। सो गाइस अपने आवास पर पधार चुके हैं, तो आज के इस ब्लॉग कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। खत्म करते पड़े भाई। बाबू क्या कर रहे हो? पानी पिला दो। ये क्या होता है यार? तो चलिए गाइस चलो भाई अब व्लॉग को एंड करते हैं, ठीक है ना? तो अपनी मम्मी के दर्शन करा देते हैं व्लॉग एंड करने से पहले। तो देखो मेरी माता श्री श्री यहाँ पे खाना बना रही हैं। ये कौन सब्जी मम्मी, क्या बोलते हैं सब्जी को? व्हाट इज दिस माय मदर व्हाट इज दिस? तुम बताओ, हमें सब बताएं। ये है बीन्स का बड़ा भाई। बीन्स? अरे बीन्स का बड़ा भाई मुझे पता है। फली, इसको फली बोलते हैं गांव में। क्या बोलते हैं इसको? किवाच बोलते हैं भैया। गजब गजब नाम है। तो खाइए मस्त हरे हरे घास फूस और तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है ना? और बस अब स्लॉक पे एंड करते हैं। कर दें मम्मी एंड? हाँ कर दो, ठीक है। चलिए गाइस तो आपसे मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।